हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साबूदाना की खिचड़ी बना के दिखाऊंगी नवरात्रि फास्ट के लिए। मैं 1 कप साबूदाना भिगोई हूँ, 2 घंटे पहले मैं भिगोई थी। आप देख सकते हैं साबूदाना को खिचड़ी बनाना हो तो 2 घंटे पहले भिगा देना चाहिए। एकदम खिला खिला फूल के अच्छे से हो गया है। मैं 1 कप भिगोई थी और टमाटर कट के लिए ली हूँ इसमें, और आलू बारीक कटा हुआ, धनिया का पत्ता, स्वादानुसार सेंधा नमक, 1 चम्मच जीरा, सिंगदाना और हरी मिर्च। अब हम सिंगदाना को पहले भूनेंगे। गैस का फ्लेम चालू है, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम सिंगदाना डालेंगे और हल्के फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। धीरे धीरे हम इसको चलाते रहेंगे। सिंगदाना बन गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे। सिंगदाना को मैं निकाल ली हूँ, ठंडे होने के लिए रख दी हूँ। अब इसको हम उसका छिलका उतार के उसको दरदरा थोड़ा कोट लेंगे। और अब कढ़ाई गर्म है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। आप रिफाइंड यूज करते हो तो रिफाइंड डालो, या घी भी डाल सकते हो। 2 बड़े चम्मच में डाली हूँ क्योंकि साबूदाना बनाना है ऐसे। इसमें हम जीरा डालेंगे। इसमें हम मिर्ची डालेंगे। इसके बाद आलू, आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको 2 मिनट के लिए ढक के फ्राई करेंगे। आलू फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा ढक देंगे। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे स्वादानुसार, और हरी धनिया की पत्ती थोड़ा कर देंगे ऐड, थोड़ा रखेंगे साबूदाना डालने के बाद। आलू टमाटर पक चुका है, और इसमें हम डालेंगे साबूदाना। साबूदाना डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम खिला खिला साबूदाना है, देख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो बाकी का धनिया का पत्ता है उसको डाल देंगे। इसमें मैं सिंगदाना का छिलका उतार ली हूँ, इसको दरदरा कर ली हूँ 2 टुकड़े, और इसको हम सिंगदाना इसमें ऐड कर देंगे। 2 मिनट के लिए ढकेंगे, और बस हो गया है। स्वादिष्ट साबूदाना की खिचड़ी व्रत में आप इंजॉय कीजिए बना के।
दो मिनट के लिए हम रख के इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं साबूदाना की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है एकदम। अच्छे से पक गई है। आपको पसंद आए मेरी ट्रिक तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।